ओके तो मैं जस्ट रिवाइज कर देता हूँ जो हमने लास्ट टाइम किया था। तो देखिए, न्यूटन्स रिंग्स में आपको क्या याद रखना है कि जो डेंसर मीडियम की सरफेस से टकरा के रे आएगी उसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा, ठीक है, यानी कि लैम्डा बाई टू का पार डिफरेंस वो लेके आ रही है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चली है वो, तो आप इसको ये मानिए कि वो रे मान लीजिए यहाँ से चली थी, ठीक है, और यहाँ आपकी आइस के पास पहुँच रही है, तो इस दौरान जितनी उसने एयर में, ठीक है, ये पाथ जो तय की है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अलावा वो एक एक्स्ट्रा लैम्डा बाई टू का पाथ डिफरेंस और लाई है, ठीक है, तो ये रे वन की बात हो रही है इस वाली की। उधर रे टू के साथ क्या हो रहा है, वो भी यहीं से चली है, ठीक है, यहाँ तक तो वो रे वन के साथ चली थी, उसके बाद रे वन तो चली गई लैम्डा बाई टू का डिफरेंस लेके आपकी आईज की तरफ। रे रे टू ने क्या किया, वो नीचे गई, ठीक है, और क्योंकि वो डेंसर टू रेयरर की बाउंड्री में टकरा कर रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, तो उसके पास इसकी वजह से कोई पाथ या फेज डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें हमने देख मैंने आपको वो स्ट्रिंग का एग्जांपल देके बताया था कि जब आप रेयरर से डेंसर की बाउंड्री पे जाते हैं तो लैम्डा बाई टू का पाथ डिफरेंस आता है, तो ये तो लौटेगी वापस, ठीक है, तो इसने एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस एज सच कुछ नहीं लिया, लेकिन क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक गई है, ठीक है, इसने ये टी नॉट पाथ तय की और वापिस भी आई है टी नॉट पाथ, और उसके बाद यहां से लेके यहां तक इसकी पाथ वन के बराबर ही है, तो इसका मतलब इसने कितना एक्स्ट्रा पाथ लिया है, तो मैं इसको टू टी नॉट लिख सकता हूँ। वैसे तो अगर मैं इसको एंगल को कंसीडर करते हुए करूंगा तो कॉस थीटा का फैक्टर आएगा साथ में, लेकिन सिंपल रखने के लिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंट है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री के आसपास आई है ये, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल से चिपकी हुई और वैसे ही लौट गई है, ठीक है, तो उसमें आप वो कॉस वाला पार्ट इग्नोर कर सकते हैं। तो सेकंड वाली वेव एक्स्ट्रा कितना पाथ लेके चली है, टू टी नॉट का, ठीक है। अब मेरे पास दो फैक्टर्स हैं जो कि मिलके मेरा एक्स्ट्रा पाथ बना रहे हैं या पाथ डिफरेंस देंगे डेल्टा एक्स, तो ये सेकंड रे की वजह से है, टू टी नॉट और म्यू। अच्छा, इसको आप जब इस म्यू मीडियम में कोई चीज अगर टू टी नॉट चलती है तो वो इफेक्टिवली उतना ही टाइम लेती है जितना कि अगर एयर में चली होती ये सेकंड वाली, तो कितना डिस्टेंस चलती, टू टी नॉट की जगह चल जाती टू टी नॉट इंटू म्यू, ठीक है, ज्यादा चलती, तो मैं तो फिर उसी टाइम को कंसीडर करूंगा क्योंकि इस टाइम लेट होने की वजह से ये टू अलग पाथ डिफरेंस के साथ या अलग फेज डिफरेंस के साथ या अलग टाइम पे पहुंचेगी, ठीक है, तो वो चीज मुझे दोनों के लिए एयर में ही कंसीडर करनी है, तो एयर का ही अगर पार्ट डिफरेंस मैं लूंगा वन के लिए भी और टू के लिए भी, तो वन के लिए तो पार्ट डिफरेंस है लैम्डा बाई टू का और टू के लिए है टू टी नॉट इंटू म्यू, ठीक है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज है। तो डेल्टा एक्स का फार्मूला आपका इस तरह से लिखा जा सकता है कि सेकंड वाली की वजह से जो पार्ट डिफरेंस है और फर्स्ट वाली की वजह से जो पार्ट डिफरेंस है। अब देखिए, मैंने कल भी ये आपको बोला था कि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मुझे एन को, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही लिखना है दोनों के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए भी और कंस्ट्रक्टिव के लिए भी, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इस लैम्डा बाई टू को प्लस माइनस में फ्लेक्सिबल रखूंगा, क्यों, क्योंकि देखिए आप लैम्डा बाई टू जोड़िए या घटाइए एक ही रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये 180 डिग्री का फेज डिफरेंस दे रही है, लेकिन आगे चल के मुझे सहूलियत हो इसलिए मैं एन को 0, 1, 2 से ही शुरू करना चाहता हूँ, 0 से शुरू करना चाहता हूँ बेसिकली। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कंस्ट्रक्टिव के लिए मेरी सुपर पोजिशन की कंडीशन थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कि पार्ट डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए, तो यहां से जो मेरा टोटल पार्ट डिफरेंस इस कॉन्फिग्रेशन के लिए आया है थिन फिल्म की, उसको मैं किसके बराबर रखूंगा, एन लैम्डा के बराबर, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहा हूँ। जब मैं ऐसा करता हूं तो ये लैम्डा बाई टू मैंने इसको फ्लेक्सिबल रखा है, प्लस माइनस कुछ भी करूं इधर ले जाके, तो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं इसको प्लस यानी यहाँ पे माइनस रखता तो ये यहाँ पे आके प्लस होता, ठीक है, और फिर मैं इसको उसी फार्मूले की तरह लिख सकता हूँ जैसा कि सुपर पोजिशन में डिस्ट्रक्टिव के लिए आया था, यानी कि जो टू टी नॉट है लेफ्ट हैंड साइड में वो 2n+1 लैम्डा बाई 2 म्यू के बराबर होगा।
इस तरह से करने का मुझे फायदा क्या हुआ है? फायदा मुझे ये हुआ है कि अब मैं एन को 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही स्टार्ट करूंगा जीरो से, ठीक है। ये म्यू आया हुआ है, मीडियम का म्यू जो यहाँ पे है, ठीक। ओके, फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैं क्या करूंगा? तो मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सुपरपोजिशन की जो फार्मूला था वो तो था 2n+1λ/2 था, उसको रखूंगा। और लेफ्ट साइड में क्या रखूंगा? जो मेरी डेल्टा एक्स इस थिन फिल्म की कॉन्फ़िगरेशन के लिए आई है, जो कि ये लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ रख दिया इसको, ठीक। इस बार मैं लैम्डा बाई टू को इधर ले जाके क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे प्लस रख के, ठीक है, इधर ले जाके इसको माइनस कर दूंगा, ताकि लैम्डा बाई टू कट जाए और ये 2μT0 जो है वो एन लैम्डा के बराबर आए, ताकि 2T0 जो है मेरा वो वैसा ही दिखे जैसा कि सुपर पोजिशन में कंस्ट्रक्टिव के लिए था। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, फिल्म में ये उल्टा हो गया है, ठीक है। अच्छा, फायदा मुझे क्या हुआ इस तरह से फार्मूला लिखने के लिए, कि अभी भी मैं एन को 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट कर सकता हूँ, जीरो से स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, बाय द वे, अगर मेरी आंख यहाँ पे होती, ठीक है, अभी मैं कहाँ, आंख है मेरी यहाँ पे है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। अगर ये ट्रांसमिटेंस वाला मैं देख रहा होता कि जो ट्रांसमिट लाइट होके कैसे इंटरफेरेंस कर रही हैं, तो फिर ये जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की जो कंडीशंस हैं वो वैसी ही रहती जैसी सुपर पोजिशन में निकाली थी, यानी कि कंस्ट्रक्टिव के लिए यही रहती, डिस्ट्रक्टिव के लिए यही रहती। तो आप इसको करके देखना चाहे कर सकते हैं, पर दिस इज सफिशियंट फॉर यू, ठीक है। अब हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं, हम इस ये जो हमने अभी यहाँ सीखा है, ठीक है, ये जो हमने अभी यहाँ सीखा है, दो कंडीशंस निकाली हैं, इनको यूज करते हुए देखना चाह रहे हैं कि न्यूटन्स की रिंग कैसे बनती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो न्यूटन की रिंग में हम क्या देख रहे हैं कि कि अगर हम एक प्लेनो प्लेन हिस्सा एंड कॉन्वेक्स हिस्से वाला लेंस लेते हैं, जिसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और उसको रखते हैं किसी ग्लास स्लैब के ऊपर, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे एयर की फिल्म ट्रैप है, ठीक है, ये हिस्सा यहाँ पे एयर है। तो मेरी जो थिन फिल्म है इस बार ये एयर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब एयर की थिन फिल्म का म्यू वन हो जाएगा, तो वो जो फार्मूले थे हमारे वो सिंप्लीफाई हो गए, म्यू आप वन रख के उनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है, सेकेंड रे कैसे आ रही है, ये आई इस बाउंड्री से टकराई, ठीक है, ओके, ये आके डेंसर मीडियम से, ये डेंसर मीडियम है, इससे एयर की बाउंड्री पे टकरा के लौट रही है, तो इसमें कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखो, वन वाली रे को, ये एक तो डेंसर मीडियम से टकरा रही है, ये यहां से यहां तक एयर में आई थी, ठीक है, उसके बाद ये चल भी ज्यादा रही है, वन के मुकाबले इतना ज्यादा चली है, ठीक है। अगर आप इसको ऑलमोस्ट बराबर मानो, बहुत छोटी सी स्पेसिंग मानो, तो दोनों यहां से दोनों फिर सेम लेंथ चलेंगी ऊपर की तरफ आपकी आंखों तक, लेकिन ये वाली जो रे है फर्स्ट वाली, ये दो चीजें कर रही है, एक तो ये लैम्डा बाई टू का पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस बोल लो आप, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू का और पाई का फेज डिफरेंस है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम से टकरा के लौट रही है, दूसरा ये चल भी एक्स्ट्रा रही है, ठीक है। तो दो पार्ट डिफरेंस इस वन में आने वाले हैं, इस वन में। ओके, तो ओके, तो मैं कह रहा हूं कि इफ वी सेटअप ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑन टॉप ऑफ ए फ्लैट ग्लास सरफेस, जो कि हमने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, वी गेट टू सी द पैटर्न कॉल्ड न्यूटन रिंग। तो हमें ऐसी न्यूटन रिंग दिखती है जिसमें देखिए सेंटर पार्ट आपका जो है वो डार्क है, ठीक है, सेंटर पार्ट डार्क है। तो अभी हम इसको अभी नेक्स्ट स्लाइड में चेक करेंगे कि ये डार्क क्यों है, ठीक है। अच्छा, रिंग क्यों बन रही है? ड्यू टू द वेरिएशन इन थिकनेस ऑफ एयर फिल्म। तो क्योंकि देखो आप, अगर आप यहां से इसको देखो कि ये फिल्म एयर की कैसे जा रही है, तो एयर यहां से यहां तक है, तो ये एक ट्राइंगल सा बन रहा है, ठीक है। तो इसकी थिकनेस जो है एयर फिल्म की, ये देखो आप बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अगर आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक, तो जो रेज आपकी आंखों में आ रही हैं वो अलग अलग पाथ तय करते हुए आ रही हैं। तो कुछ रेज आपकी आंखों पे डिस्ट्रक्टिव बनाएंगी, फिर ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये आपकी आंखों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा, फिर ये पतला सा जो डार्क रीजन है
ये फिर से आपकी आंखों पे डिस्ट्रक्टिव बनाएगा, फिर उसके बाहर वाला पॉस्ट वाइट वाला रीजन जो है फिर कंस्ट्रक्टिव बनाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर से देख रहे हैं आप इसको, ठीक है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो बस ऐसे ही दिखेगा। ये जो आपको दिख रहा है ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, और उसके उससे जो टकरा के और नीचे ग्लास प्लेट से टकरा के आपकी आंखों में लाइट आ रही है, वो ऐसी दिख रही है आप, ठीक है। ओके, तो जैसे जैसे टी चेंज हो रहा है, ठीक है, तो क्या चेंज हो रहा है टी के साथ, तो जैसे जैसे ये टी चेंज होगा, थिकनेस चेंज होगी, तो देखिए ना ये पाथ लेंथ चेंज हो रही है, राइट, ये चेंज हो रहा है। तो ये डिस्टेंस जो है ये चेंज हो रहा है फिल्म की थिकनेस के साथ। तो ये डिस्टेंस क्या क्या चीज इंट्रोड्यूस करता है, ये डिस्टेंस जो है वो इंट्रोड्यूस करता है फैक्टर ऑफ 2T0 म्यू का। अब म्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि मीडियम मेरा एयर ही है इस बार, थिन फिल्म मेरी एयर की है, तो म्यू मेरा इस बार 1 होगा, तो मैं केवल 2T0 की बात करूंगा, ठीक है। तो 2T0 क्योंकि चेंज होता जा रहा है, इसलिए डेल्टा एक्स चेंज होता जा रहा है। तो अलग अलग दूरी पे, ठीक है, ये लेंस आपका ऐसे रखा हुआ है, ये मतलब आप ये जो सेंटर पॉइंट देख रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये जो ब्लैक डार्क आपको ये दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये आपका यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है, आपकी आंखें यहाँ पे हैं। तो ये सेंटर पॉइंट बिल्कुल यहाँ वाला हिस्सा आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ब्लैक है, उसके बाद फिर ये व्हाइट दिखेगा ये हिस्सा, उसके बाद ये फिर ये लेयर आपको ब्लैक दिखेगी, ठीक है, ऐसे दिख रहा है ये आपको, फिर आपको ये व्हाइट दिखेगा पोर्शन, फिर नेक्स्ट लेयर आपको डार्क दिखेगी। तो ये किस हिसाब से हो रहा है, तो ये देखिए आप इस सेंटर पॉइंट से जैसे जैसे इस तरफ और इस तरफ चल रहे हैं, ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट से जैसे जैसे आप इस तरफ और इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, इधर इधर और इधर और इधर, ठीक है, यानी कि आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसे चल रहे हैं आप, ठीक है। तो अभी एक चीज आएगी, बात हम करेंगे कि ये जो रिंग बन रही है न्यूटन की, ठीक है, इनका डायामीटर कितना है, यानी मैं ये रेडियस है तो ये इसका डायामीटर है, ठीक है, तो मैं अलग अलग जो लाइंस बन रही हैं उनका डायामीटर निकालूंगा अभी, और इस पे क्वेश्चन आया है 10 नंबर्स का, ठीक है, इस बार तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि फिर से पूछ लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलिए, तो देखिए न्यूटन रिंग का रेडियस मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, इस स्मॉल आर से, ये जो मेरा स्मॉल आर है, ठीक है। अच्छा, ये फिल्म की थिकनेस कैसी है, तो ये आपको दिख रहा है, ये मैंने रेड कलर से ये जो टी लगाया है, देखिए आप थिकनेस को बता रहा है, ठीक है, ओके। फिर तो यहाँ हो क्या रहा है, एक चीज आपको दिख रही है कि पहले सबसे सेंटर में कौन सी रिंग आएगी, डार्क आएगी, फिर ब्राइट आएगी, ठीक है, फिर डार्क आएगी, फिर ब्राइट आएगी, फिर डार्क आएगी, तो ये चल रहा है पैटर्न, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए आप, ठीक है। तो आप सेंटर से जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं अल्टरनेट पैटर्न आपको दिखते जा रहे हैं, ओके। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई ये दिखेगा कैसे, एपरेटस इसका जो सेटअप है लैब में आप किस तरह से बनाते हैं, तो ये इस तरह का अरेंजमेंट है, तो जब क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू ड्रॉ दिस, ओके। तो यहाँ से सोर्स से लाइट आई, कॉन्वेक्स लेंस से मैंने उसको स्ट्रेट कर लिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, मिरर से लाइट टकराई, यहाँ गई, ठीक है, नीचे की तरफ गई और फिर ऊपर की तरफ गई, और कहाँ आई, माइक्रोस्कोप में, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखें ऊपर हैं, ठीक है, यहां से मैं यहां मेरी आंखें हैं, यहां से मैं देख रहा हूं, तो ये इस लेंस के नीचे मुझे, या ऊपर बोलो जैसे ही बोलो, क्योंकि वो तो आपको दिख रहा है, ठीक है, वहां कुछ है नहीं, ऐसा ऐसी कोई रिंग है नहीं, बट आपकी आंखें देख रही हैं उसको, क्यों, क्योंकि ये जो लाइट्स आ रही है ना वो आपकी आंखों पे, ये इंटरफेरेंस का पैटर्न बना रही है यहाँ पे, ठीक है। तो रियलिटी क्या है, रियलिटी तो ये सेटअप है, आपकी आंखें देख क्या रही हैं, आपकी आंखें ये देख रही हैं, ठीक है। तो जैसे जादूगर आपकी आंखों को इल्यूजन दिखा के बेवकूफ बनाते हैं, राइट, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो एक्चुअली आपकी आंखें बहुत बढ़िया सेंसर हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन क्योंकि उसको बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है कि आपके ब्रेन को दिखाओ, और फिर आपका ब्रेन ट्रेन होता है आपकी आंखों के सेंसर से कोलैबोरेशन करके कि आपको इस दुनिया की मीनिंग समझा सके। तो यहाँ देखिए आपका ब्रेन और आपकी आंखें मिलके उस इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से ये देखेंगी,
ठीक है, जबकि रियलिटी क्या है, ये है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और मैं सेंटर वाले पॉइंट की डिस्कशन करना चाहता हूँ ताकि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ चल क्या रहा है। तो देखिए, हमने अभी तक बात करी है कि दो तरह के पार्ट डिफरेंस हैं, किसमें, इस फर्स्ट वाली रे में। एक तो ये डेंसर मीडियम से टकरा के आ रही है, ठीक है, तो इसलिए इसमें लैम्डा बाई टू का एक पार्ट तो है ही, ठीक है। प्लस मैं ये कह रहा हूं कि ये क्योंकि ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी चल रही है, यही वाली वन वाली की बात हो रही है, टू वाली की बात नहीं हो रही, वन की ही बात हो रही है। ये वन वाली एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस और चल रही है, जिसको कि आप टू टी लिख सकते हो या टू टी नॉट लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये पार्ट डिफरेंस आ रहा है किसमें, वन में। टू का, टू क्या है, मेरा रेफरेंस लाइन है, ठीक है। तो टू से वन कितना ज्यादा चल रही है, लैम्डा बाई टू प्लस माइनस टू टी नॉट, ठीक है। ये लैम्डा बाई टू को मैं प्लस माइनस में रखूंगा, या आप कहो टू टी नॉट प्लस माइनस लैम्डा बाई टू, क्योंकि मैं अपने हिसाब से देखूंगा कि मेरा एन जो है वो जीरो से शुरू हो, ठीक है। ओके, अब जब मैं इस फार्मूले की बात कर रहा हूं तो सेंटर पे क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे देखते हैं। तो इस पॉइंट पे वन वाली रे आई, ठीक, और वो यहां से सीधे गई, इस पॉइंट से टकरा के वापिस चली गई आपकी आंखों में। ये तो हुआ वन के लिए, ठीक। वट अबाउट टू, टू भी यही कर रही है, सीधे आई और आपकी आंखों में चली गई, ठीक है। तो इन दोनों में कोई अंतर है क्या, तो बिल्कुल अंतर है, ठीक है। एक अंतर है, वन वाली को मैं कहां से लौटता हुआ मानता हूं, यहां से, यानी कि वो लेंस के नीचे वाली सरफेस से टकरा के आपकी आंखों पे आई है। जबकि ये टू की बात कर रहा हूं मैं, टू वाली लेंस के, ये टॉप सरफेस है लेंस की या प्लेनो प्लेन सरफेस है, और मैं टू को कहां से देखता हूं, मैं कहता हूं जो टू है आपकी, ये कहां से आई है टकरा के, ये लेंस की कॉन्वेक्स सरफेस से टकरा के। आदित्य बेटे, आप ये ऑफ करो अपना वीडियो। तो ये टू वाली जो है, ये आपकी लेंस से की कॉन्वेक्स सरफेस से टकरा के आई है, जबकि वन वाली कहां से टकरा के आई है, वन आई है आपकी टकरा के ग्लास की और एयर की इंटरफेस से टकरा के। तो इन दोनों के बीच में हमेशा लैम्डा बाई टू का पार्ट डिफरेंस तो रहेगा, ठीक है। दूसरी वन वाली मैं कह रहा हूं कि भाई ये इतना और एक्स्ट्रा चल के आई है, यानी कि टू टी नॉट और चल के आई है, ठीक है। लेकिन अगर इस सेंटर पॉइंट पे आप देखो तो ठीक है, वो पहली वाली जो रे है वो यहां, जो ये सेकंड रे है वो यहां से तो टकरा के आई ही है, ठीक है। यानी कि उसके और वन के बीच में लैम्डा बाई टू का तो डिफरेंस है, क्योंकि जो फर्स्ट वाली है वो कहां से, मैं मान के चल रहा हूं कि वो तो ग्लास स्लैब से टकरा के आएगी, और उन दोनों के बीच में एक बहुत पतली सी एयर की फिल्म है, ठीक है। तो मेरे लिए ये लैम्डा बाई टू का पार्ट डिफरेंस तो रहेगा, लेकिन अगर वो एयर की फिल्म टी नॉट ऑलमोस्ट जीरो है तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, यानी कि मेरा डेल्टा एक्स है कितना, सेंटर पॉइंट पे, इस ओ पॉइंट पे मेरा डेल्टा एक्स केवल लैम्डा बाई टू रहेगा। और आपको पता है कि जब भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू होता है इन्हीं भी दो रेस के बीच में, तो वो हमेशा क्या बनाती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इसको करने के लिए मुझे किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है, ये तो मुझे सीधे दिख रहा है। तो ये सेंटर पॉइंट पे डार्क क्यों बन रही है, हो सकता है पूछ ले, ठीक है, कि एक्सप्लेन कीजिए कि जो न्यूटन्स रिंग के सेटअप में सेंटर पे हमेशा डार्क क्यों बनता है। तो सेंटर पे डार्क हमेशा इसलिए बनता है क्योंकि ये जो सेकंड रे है और जो फर्स्ट रे है, ये दोनों रास्ता तो इस समय बिल्कुल सेम तय कर रही है, यानी टू टी नॉट तो दोनों के लिए बराबर है, या ये कहो कि फर्स्ट वाले के लिए टू टी नॉट इस समय जीरो है, क्योंकि एयर की थिकनेस बिल्कुल जीरो हो चुकी है, क्योंकि ये तो चिपका ही हुआ है ऑलमोस्ट इससे, लेंस और ग्लास सरफेस यहाँ पे। लेकिन क्योंकि दोनों टकरा के अलग अलग सरफेस से आ रही हैं, एक यहां से आ रही है और एक नीचे से आ रही है, वो यहां पे भी हो रहा है, इसलिए लैम्डा बाई टू का पार्ट डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, और इसलिए सेंटर हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएगा, ठीक है। तो ये तो एक एक्सप्लेनेशन था। अब हम चलते हैं इसकी मैथ्स पे, ठीक है। जो क्वेश्चन इस बार पूछा गया था हम उसको करने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट एट कॉन्टेक्ट ओ इज शोइंग दिस डार्क बिकॉज टी इज जीरो एंड फेज डिफरेंस इज स्टिल देयर। तो ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। अब हम